मैथ्स क्विज फॉर सिक्स्थ क्लास। तो ये मैथ्स का क्विज है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, हम यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई जेड। इसके बाद यहाँ रोल नंबर लिखना होता है, रोल नंबर लिख दिया हमने यहाँ 6101। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्लास, क्लास में हमने लिख दिया यहाँ सिक्स क्लास, सिक्स क्लास हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद सेक्शन, सेक्शन में हमने लिख दिया बी। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट होल नंबर माइनस वन, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है, तो माइनस वन उसमें से वन माइनस करेंगे तो आएगा माइनस वन, तो ये आंसर इसका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर माइनस वन, स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो वन होता है, तो वन में से हम वन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर होता है, माइनस वन, फोर में से वन माइनस करेंगे तो थ्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर राइट रोमन ऑफ 45, तो 45 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 50 को लिखते हैं हम एल, एल में से हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 हो जाएगा, उसमें फिर वी जोड़ देंगे 5 के लिए, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेडिसेसर ऑफ, ये जो प्रेडिसेसर है इसमें लास्ट में आप देख रहे हैं ये 30 है, प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती संख्या होते हैं, 30 माइनस 1 29, तो आप इसमें देख रहे होंगे 29 ये आएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6 700 इज द सक्सेसर ऑफ 699 का सक्सेसर है 700, ये बिल्कुल सही करा है, यहाँ ट्रू लिखेंगे हम। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 10 और 25 के बीच में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वह है यहाँ पर 23 प्राइम नंबर, 24 जो है ये कंपोजिट है, ये नहीं आएगा, 23 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9, यदि एक संख्या 9 से डिवाइजिबल है इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाय 3, वो 3 से भी होगी, बिल्कुल सही है, इसमें भी हम ट्रू लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक सो दैट द नंबर 5737 इज डिवाइजिबल बाय 9, तो 9 से डिवाइजिबल करने के लिए हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, 5 + 7 = 12 + 3 = 12 + 3 = 15 + 7 = 22, तो 22 के बाद नेक्स्ट संख्या होती है जिस जो 9 से डिवाइजिबल है 27, तो ये 22 है, तो 5 की कमी है इसमें, हम इसमें 5 लिखेंगे, यहाँ 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करना, एक संख्या लिखनी होती है बीच में, इसमें लिखा है कि 10,000 माइनस 6,080, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,020 आएगा, क्वेश्चन मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर प्लस वन, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर जो होता है वो आएगा 999, उसमें हम वन प्लस कर देंगे तो 1,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर जो है वो होता है 1,000, उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 999। क्वेश्चन नंबर 13 1 मिलीमीटर इज सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यूजिंग डिजिट्स 7914 द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर मेड इज, ग्रेटेस्ट नंबर करने के लिए डिजिट सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी, पहले 9 फिर 7 फिर 4 फिर 1, 9741, देखो कहाँ इसमें 9741 स्टार्टिंग में ही है। क्वेश्चन नंबर 15 यूजिंग डिजिट्स 8162 द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, इसमें स्मॉलेस्ट संख्या के लिए हमें स्मॉलेस्ट डिजिट पहले लिखना होगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट है 1 फिर 2 फिर 6 फिर 8, 1268 ये वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 1 million इज इक्वल टू लैख, 1 million में कितने लैख होते हैं, 10 लैख होते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 17 1 lakh इज इक्वल टू 1,000, 1 lakh में कितने 1,000 होते हैं, 100 100,000 इज इक्वल टू 1 lakh। क्वेश्चन नंबर 18
द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज, ऑड नंबर जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, जिनके पेयर नहीं बनते उनका जो सम होता है वो क्या होता है, मान लीजिए 3 और 7 है, 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 इवन नंबर होगा, और यदि मान लो 9 और 11 है उनका सम करेंगे 20, वो भी इवन होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम इवन नंबर ये वाला। उस क्वेश्चन नंबर 19, ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड ए, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर 67842 इज डिवाइजिबल बाय, यानी 67842 इज डिवाइजिबल बाय 45310, किससे डिवाइजिबल है, तो इसका आप यूनिट प्लेस देख रहे हैं यहाँ 2, तो ये 2 से डिवाइजिबल है, तो ये हमें कोई एक संख्या इसमें दिखाना है तो ये 2 से डिवाइजिबल है, लेकिन 2 इसमें दे नहीं रखा, तो कोई और ऑप्शन देखते हैं हम, इसमें इनका सम करते हैं, 6 और 7 13 और 8 21 और 4 25 और 2 27, 27 9 से डिवाइजिबल है, तो 9 से डिवाइजिबल है तो 9 भी इसमें नहीं है, तो आएगा 3 आएगा, 27 3 से डिवाइजिबल है। एलसीएम ऑफ 12 10 15 इज, एलसीएम वो संख्या होगी जो 12 10 और 15 से डिवाइजिबल होगी, आप इनमें से वो संख्या बताइए जो 12 से भी डिवाइजिबल है, 10 से भी है, 15 से भी है, तो वो संख्या है 60, 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60। क्वेश्चन नंबर 22, HCF ऑफ 12 एंड 18 इज, HCF ऐसी संख्या निकालना है जिससे 12 और 18 डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे, तो यहाँ वो संख्या है हमारे पास 6, 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है, अब यहाँ तो, लेकिन जो HCF होता है वो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यूँ तो 3 से भी है लेकिन 3 नहीं आएगा HCF, इसका 6 आएगा, 6 से बड़ी संख्या 9 है, 9 से 18 डिवाइजिबल है लेकिन 12 नहीं है, और 8 से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3, यदि कोई संख्या 3 से डिवाइजिबल है, इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाय 9, वो 9 से भी डिवाइजिबल होगी, ये आएगा फॉल्स, क्यों, मान लीजिए एक संख्या है 12 3 से डिवाइजिबल है, 3 4 जा 12, लेकिन 12 9 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाय 3, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइजिबल है वो 3 से भी होगा, तो ये आएगा हमारे पास ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9 एंड 10, 9 और 10 से संख्या डिवाइजिबल है, देन इट मस्ट बी डिवाइजिबल बाय 90, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी यहाँ पर ट्रू आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्विज जो है कंप्लीट हुआ, अब हम इसको सबमिट करते हैं यहाँ से, सबमिट करने के बाद हम देखते हैं हमारा क्या स्कोर आया है, टोटल पॉइंट्स 25 में से 25 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से इस क्विज को कंप्लीट करना था।